प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्म दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत शनिवार को शहर के अंबेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी चौक तक सफाई अभियान चलाया गया। बताया गया कि सेवा सप्ताह के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों के बीच फलों का वितरण, रक्तदान शिविर का आयोजन, किसानों को सम्मानित करने का कार्य और इसी कड़ी में आज सफाई अभियान चलाया गया। मौके पर महापौर सुनील पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, वरिष्ठ नेता चुन्नू कांत, संजीत सिंह पप्पू, संदीप डंगाच, नवीन सिन्हा, सिंकू सिन्हा, रागिनी लहरी, हरमिंदर सिंह बग्गा, हबलू गुप्ता, सुरेश गुप्ता सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश भर में सफलतापूर्वक स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता कार्यक्रम चलाकर लोगों को स्वच्छ रहने की ओर प्रेरित किया जा रहा है। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जन्म दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में हम लोग गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी के परिवार सब एकजुट होकर के मना रहे हैं, जो कि 14 सितंबर से चालू था और आज 19 सितंबर को है। आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों ने गिरिडीह शहर के अंबेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी चौक तक सफाई अभियान चलाया, जिसमें हमारे के जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चुन्नू कांत जी और संदीप डेंगेज जी और सारे कार्यकर्ता संजीत सिंह पप्पू जी और सभी तमाम हमारे सारे कार्यकर्ता लग करके और इस सफाई अभियान को सफल बनाए। और हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में एक स्वच्छता का माहौल बना हुआ है, उसमें हम लोग सब मिलजुल करके अपने अपने घरों को साफ सुथरा रख करके इस तरह से अभियान कंटिन्यू करें, अपने अपने घरों को साफ सफाई रखें। हम लोग को आज इस देश के यशस्वी प्रधान के जन्म दिवस के अवसर पर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग लगातार शहर की साफ सफाई में लगे हुए रहते हैं। सब आप अपने अपने घरों के साफ सफाई में लगे रहें और साफ स्वच्छ रखें, चाहे ताकि हमारा ये शहर को कोविड 19 से हमेशा सुरक्षित रहे, बचा रहे और इस पूरा देश हमारा इस वैश्विक महामारी से बचा रहे। धन्यवाद।